हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेंसपोर्ट जंक्शन पर। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय रेल के कोच और उनमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। दोस्तों, भारतीय रेलवे भारत की जीवन रेखा है और यात्रा के लिए भारतीयों की पहली पसंद भी। एक ही ट्रेन में रेलवे अलग अलग कोच के जरिए यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है और उन्हीं सुविधाओं को मद्देनजर रखकर यात्री अपने कोच की बुकिंग कराते हैं। तो आइए जानें इनकी श्रेणी एवं सुविधाओं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एसी क्लास कोच से। फर्स्ट एसी क्लास भारतीय रेलवे की सबसे महंगी श्रेणी है। इसका किराया भारत में चलने वाली एयरलाइंस के आम किराए से कम नहीं होता। यह कोच पूरी तरह वातानुकूलित होते हैं। इसके प्रत्येक कंपार्टमेंट में दो और चार बर्थ होती हैं। दो बर्थ वाले कंपार्टमेंट को कूप और चार बर्थ वाले कंपार्टमेंट को केबिन कहते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक दरवाज़ा होता है जिसे यात्री अंदर से बंद कर सकते हैं। ऐसे कोच में 18 से 20 यात्रियों के सफ़र करने तक की सुविधा होती है। फर्स्ट एसी में 8 केबिन बने होते हैं। कोच में यात्रियों की मदद के लिए ट्रेन में एक अटेंडेंट होता है, जिसे बुलाने के लिए कंपार्टमेंट में एक खास बटन लगा होता है। इसकी सीट बहुत ही सुविधाजनक होती है। वह इस श्रेणी के कोच में कारपेट बिछा होता है, जो यात्रियों को सफ़र करने का एक खास अनुभव कराता है। राजधानी जैसी रेलगाड़ियों में यात्रियों को विशेष प्लेट और कटोरियों में खाना दिया जाता है और खाने का मेन्यू सेकेंड एसी और थर्ड एसी में मिलने वाले खाने से कई गुना बेहतर होता है। प्रत्येक यात्री के लिए एक डस्टबिन और एक छोटी टेबल होती है। इसमें साइड अपर या साइड लोअर बर्थ नहीं होती। इस कोच की श्रेणी को कोच पर लिखे लेटर H1, H2, H3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड एसी क्लास कोच की। भारतीय रेलवे का सेकंड एसी कोच फर्स्ट एसी से सस्ता है और इसमें मिलने वाली सुविधाएँ भी थर्ड एसी से अधिक और फर्स्ट एसी से कम होती हैं। इस कोच में सीटें 6 खंडों के दो स्तरों में बटी होती हैं। 4 सीटें कोच की चौड़ाई में फैली होती हैं और 2 सीटें साइड में। इसमें कोई मिडिल बर्थ नहीं होता है, हालांकि साइड अपर और लोअर सीट होती है। प्रत्येक कंपार्टमेंट में पर्दे लगे होते हैं और सीट बहुत ही सुविधाजनक होती है। ये कोच थर्ड एसी क्लास के मुकाबले कम भीड़ भाड़ वाले होते हैं। यात्रियों को कंबल, चादर और तकिया भी दिया जाता है। यह कोच भी वातानुकूलित होते हैं। यहाँ खाना थर्ड एसी जैसा ही होता है। इस श्रेणी में प्रत्येक सीट पर एक रीडिंग लैंप लगा होता है तथा इस कोच में 48 से 54 यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं। इस कोच की श्रेणी को कोच पर लिखे लेटर A1, A2, A3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड एसी क्लास कोच। इस कोच में स्लीपिंग बर्थ और फुल्ली एयर कंडीशन होता है। इसकी सीटें दो साइड में और चौड़ाई में आमने सामने 6 सीटें होती हैं। यह कोच मिडिल क्लास भारतीयों की पहली पसंद भी है। अगर सरल भाषा में बताया जाए तो यह कोच नॉर्मल स्लीपर क्लास की तरह ही होते हैं तथा वातानुकूलित होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में 8 सीटें होती हैं तथा एक कोच में 64 से 65 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इस श्रेणी में सफ़र के दौरान तकिया, कंबल और चादर भी दी जाती है और खाना सेकंड एसी जैसा ही होता है। इस कोच में पर्दे नहीं लगे होते हैं। इस कोच की श्रेणी को कोच पर लिखे लेटर B1, B2, B3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास कोच। ये कोच भी स्लीपिंग बर्थ के साथ फुली एयर कंडीशन होते हैं। फिलहाल गरीब रथ में इस तरह के कोचों को चलाया जा रहा है। इस कोच की सीटें 3 एसी की तरह ऑरेंज होती हैं। 3 टीयर के इस कोच में रीडिंग लैंप और पर्दों की सुविधाएं नहीं होती। इस कोच में लेटर G1, G2, G3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एसी चेयर कार कोच। रेलवे का यह कोच भी फुली एयर कंडीशन होता है, लेकिन इस कोच में केवल बैठने की जगह होती है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, चेयर कार। इसमें आमतौर पर एक पंक्ति में 5 लोगों को बैठने की सीटें होती हैं। कुल 78 यात्री इस कोच में यात्रा कर सकते हैं।
कहा जा सकता है कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह नहीं होते। इस कोच को लेटर C1, C2, C3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार कोच, यह भी एयर कंडीशन सीटर कोच होता है जिसमें एक पंक्ति में 4 सीटें होती हैं तथा एक कोच में कुल 56 सीटें होती हैं। इस कोच में मिलने वाला खाना भी शताब्दी और चेयर कार से अलग होता है, यह भी लंबी दूरी के लिए नहीं होता और इसे कोच पर लिखे लेटर E1, E2, E3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्लीपर क्लास कोच, स्लीपर क्लास भारतीय रेलवे का सबसे आम कोच होता है। आमतौर पर इस तरह के 10 या अधिक कोच एक ट्रेन में जोड़े जाते हैं। इस कोच में चौड़ाई में 3 बर्थ होते हैं और 2 लंबाई में। इसमें यात्रियों के लिए कुल 72 सीटें होती हैं। आमतौर पर इस कोच में टिकट आरक्षण के लिए यात्रियों के बीच मारामारी देखते बनती है, क्योंकि हर कोई इस कोच में यात्रा के लिए सक्षम है और इस कोच की श्रेणी को कोच पर लिखे लेटर S1, S2, S3, S4, S5 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड सीटिंग नॉन AC कोच, ये कोच सबसे निचले वर्ग के कोच होते हैं। इनमें यात्रियों को बैठने के लिए एक LHB कोच में कुल 108 सीटें होती हैं। इसमें एक बर्थ पर 3 यात्री बैठते हैं। आम जनता इसे जनरल डिब्बा भी कहती है। इसे कोच पर लिखे लेटर D1, D2, D3 के क्रम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।